नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसमें बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग हुई थी उसका रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपीज़ जो होना था उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई। अब इसमें कौन सिक्योरिटी मनी क्लेम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये एक अक्ष प्रश्न बन गया है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया। आइए हम आपको दिखाते कि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे कि यहाँ जो एक नोटिस जारी की गई और एक लिंक एक्टिव किया गया, जिसे आप सभी लोग देख रहे होंगे। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया और उस अपलोड वीडियो में आपने देखा होगा कि ये इसमें हमने ये केवल बता दिया आपको कि क्या इसमें कितने अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि इसमें ओरिजिनल रिसिप्ट और बैंक डिटेल्स देनी है, और इसमें डेट जो है वो 30 नवंबर है, यानी करीब अभी एक महीने से कुछ दिन ज़्यादा टाइम दिया गया है। लेकिन इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं जारी की गई। इसमें आप जब क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं सीधे SBI कलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर क्लेम करने के प्रोसीजर्स में आप जाते हैं, और यहाँ आपको एक लिंक मिलता है कि रिफ़ंड जो है क्लेम के लिए। आप यहाँ कैटेगरी जब चुनते हैं तो आपको यहाँ एक जो है मिल जाता है कि कौन सा क्लेम करना है। देखिए तो यहाँ पर आप रिफ़ंड पर जाते हैं तो आपको यहाँ इंटर रोल नंबर और मोबाइल नंबर दो चीज़ें आपसे मांग लेता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं दी गई है। तो इसलिए मेरा पर्टिकुलर सुझाव, व्यक्तिगत तौर पर सुझाव आप सभी से है कि आप लोग परेशान ना हो। अभी हो सकता है 1 से 2 दिन में कोई क्लियर कट गाइडलाइन जारी हो, कि क्योंकि अभी संभव नहीं है। जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो सेकंड काउंसलिंग में भी यूज़ हो जाएगी। जो लोग अपग्रेड करेंगे, उनमें वो इस्तेमाल हो जाएगी, और जिन्हें नॉट अलॉटेड है, यानी जिन्हें अलॉट नहीं हुआ है, नॉट अलॉटेड है, उनके में भी वो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी यूज़ होगी। तो इस स्थिति में कन्फ्यूजन्स बहुत होगा, और जिनको अलॉट हो गया है और वो जाएंगे नहीं, पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनकी जब्त हो जाएगी। तो दोनों ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है जिसमें आप रिटर्न लें। फ़िलहाल रिटर्न लेने की कोई कंडीशन नहीं बनती। एक ही कंडीशन ऐसी है कि ये कहें कि आपको हम 5,000 रुपये वापस किए दे रहे हैं, वो भी ये आपको दिसंबर में वापस करेंगे, जिससे कि यहाँ पर, और लेकिन काउंसलिंग तो ये होगी। लेकिन मुझे जैसा लगता है, जैसा मुझे पर्टिकुलर लगता है, ये 2021 की जो है हो सकती है रिफ़ंड, जो जिन लोगों का बाकी हो वहाँ पर, जिन लोगों का बाकी है उनके रिफ़ंड हो सकती है कि वो अपना डाटा फिल करें और रिफ़ंड हो जाए। ऐसा स्थिति में हो सकता है, इसमें से कुछ लोगों का भी डाटा हो सकता ले रहा हो 2022 से। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ये कन्फ्यूजन के लिए कोई गाइडलाइन प्रॉपर वे में अपडेट होगी, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सलाह सिर्फ आपको यही देंगे व्यक्तिगत तौर पर कि आप अभी वेट कर लीजिए, दीपावली इन्जॉय करिए आप पूर्णतया। दीपावली के बाद तक ये गाइडलाइन ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के कार्यालय जो हैं वो बंद होंगे। जैसे ही 28 और 29 को ओपन होंगे या उस, तो तभी ये कुछ क्लियर कट गाइडलाइन आएगी। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसकी डेट जो है 30 नवंबर है, तो यानी अभी आपके पास टाइम बहुत है इसको अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए परेशान ना हो, अभी कुछ भी जद्दोजहद ना करें आप। जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी, फ़िलहाल आप अक्टूबर पूरा रुक जाइए, नवंबर के फर्स्ट वीक में बात करेंगे इसकी। और तब तक मुझे उम्मीद है कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ज़रूर क्लियर कर देगी कि क्या करना है, किस लाइन को फॉलो करना है, क्या चीज़ें हैं, वो पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।